वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, सिख नौजवान जो मलेशिया दे विच ने, पंजाबी वीरां वल्लों जितने भी देश दे नौजवान वीर जां बीबियां भैणां मलेशिया विखे पहुंचदियां ने, इन्हां नौजवानां वीरां वल्लों हाथ जोड़ के उन्हां माता पिता दे ते उन्हां सियाणे बजुर्गां दे चरणां दे विच एक बेनती है कि कृपा करनी कि मलेशिया दे विच जिहड़े हालात ने ना वो आप जी असीं दसन लगे हैं कि उत्थों नौजवान वीर आउंदे ने, जंटां दे हत्थी चढ़ जांदे ने, लखां रुपया बर्बाद करदे ने, घर किसी ने वेचिआ है, किसी ने जमीन वेची हुई है, किसी ने आपदी भैण विआउणी हुंदी है, बाहर की आस लाई होती है, किसी ने अपने छोटे छोटे बच्चों का भविख उन्होंने सुपने सजा के मलेशिया पहुंचते हैं, पर लखवें रुपये असी जंटा देते हैं, पर उन्होंने ब्याज दिनों दिन बढ़ता जाता है, चंगे भविख लगी जो असी उतरते हैं, पहला तो इमीग्रेशन के नाल वाह पैंदा है, जंट उत्थे कहिंदा है कि तैनू जाण सर काम मिलेगा, वर्क परमिट दे आउंदे नहीं, कोई कॉलिंग ते नहीं आउंदा, कोई टूरिस्ट ते तुरे आउंदे ने सारे असी, पर असी किसे तों पता नहीं करदे कि उत्थों दे हालात किदां दे। पहला ते कई बंदे इमीग्रेशन दे विच्चों ही रिपोर्ट कीते जांदे ने, उहनां दा लखां रुपया विचारां दा बर्बाद हो जांदा। उस तों अगे जिहड़े आ जांदे ने मलेशिया दे विच, एंटर हो जांदे ने, पर उहनां विचारियां नूं कईआं नूं घर नहीं नसीब हुंदा, काम नहीं मिलदा, रोटी तो वांझे रहिंदे ने, कई जंट भी ऐसे हुंदे ने जिहड़े उहनां नूं घरां दे विच बंद करके रखदे ने, ते उहनां दे पैसे मंगाए जांदे ने इंडिया तों, लखां रुपये बर्बाद हो जांदे ने, पर बेनती है उहनां सियाणे माता पिता दे चरणां दे विच कि इक तां जिहड़ियां कल्लियां भैणां आउंदियां ने देश तों, उहनां दा तां इत्थे बहुत बुरा हाल, कृपा करके साड़ी बेनती है सारे मलेशियन नौजवान वीरां वल्लों कि उन्हां भैणां नूं कलियां नूं ना भेजा जाए, इत्थे कोई भी काम नहीं मिलता, जे किसी कोल काम मिलता है दो महीने लवा के अगला उहदे पैसे नहीं दिंदा, फिर किसी कोल वर्क परमिट नहीं, इमीग्रेशन की प्रॉब्लम पै जाती है, इमीग्रेशन लै जाती चक के, फिर उस तों अगे जदों असीं पैसे पिछे नहीं भेजते, पैसा तो बनता ही कोई नहीं, पैसा कोई पिछे नहीं भेजते गे, फिर माता पिता दुखी होंगे ने, उन्होंने छोटे छोटे बच्चे दुखी होंगे ने, क्योंकि दिन ते रात ब्याज वधी जांदा है। पर मेरी यही बेनती है कि कृपा करके ना अपने पैसे ना बर्बाद करो, उन्होंने नौजवान वीर ते भैणां नूं यही बेनती साडे वल्लों की जाती है कि मलेशिया आने से पहला चंगी तरह किसी सियाने बंदे को पुछो, जे तुहाडा कोई रिश्तेदार है ना मलेशिया दे, वो तो सारी जानकारी लो, जे आना तो फिर वो राही वो जिम्मेवारी पर आओ, किसी एजेंट के राही ना आवो, क्योंकि तुसी अपना भी भविख खराब करते हो, तो पिछे माता पिता का, उन्हां छोटे छोटे बच्चों का जिन्हां नूं तुहाडी बहुत जरूरत है। बेनती की जाती है कि कृपा करके ये साडी बेनती है ना जी, प्रवान जरूर करने मलेशियन नौजवान वीर वालों एक दो केस हुए सन जेडे कि जंटा रही आए, पर उन्होंने बेचारे सोचते रहे हम असं पैसे किए लावे, तो उन्होंने की किया सुसाइड कर ली, किसी मैंटली दिमाग प्रॉब्लम आ गई, दिमाग के फर्क पै गया, सोचता रहा बंदा मैं की कराँगा हूँ, क्योंकि पैसे घर बार उजाड़ के आया हूँ, पैसे तो बनते ही कोई नहीं, तो पिछे पैसे किस तरह भेजागा, करजा कि लावगा, अपने बच्चों बारे सोचता, अपने मापिया बारे सोचता, पर कुछ नहीं बनता। वो वीरो जिहड़े तुसी लखां रुपये पहला दे के चंगा भविख सवारन वास्ते तुसी मलेशिया की धरती पर पहुँचते हो, फिर उस ही मलेशिया की धरती तो उहदी लाश मंगाउण वास्ते सानू लखां रुपये इकट्ठे करने पैंदे, दर दर ते जाके लोगों के गेड़े मारने पैंदे, घर मिनटां तरले करने पैंदे है, नाले तां असीं आपदे पुत गवा लैंदे हां ते नाले साडे पैसे चले जांदे हैं।
ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।